सारे काम कांग्रेस नहीं करे, उसी पे अपना लेवल लगाते हैं, इन्हें कुछ नहीं करा। गंदी हालत, खराब, बड़ा गांव जैसा है ये हमारा शहर। हम जो है इस बात को लेके हम जा रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व। हमने तमाम प्रताप जी कांग्रेस छोड़ी छोड़ी, वो गद्दारी कांग्रेस के साथ कर गए। कांग्रेस का उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है, देश की सेवा करना है, देश के विकास करना है। या विदिशा शहर से 10,000 लोग पर डे भोपाल नौकरी करने जाते हैं। ऐसा बीजेपी को नैतिकता के आधार पर तो ये चुनाव माननीय शिवराज सिंह जी को लड़ना ही नहीं चाहिए था। इस विदिशा शहर में 39 वार्डों में से आज भी हम 3 वार्ड में पानी नहीं पिला पाए। निश्चित रूप से जनता जवाब देगी और हम अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे और शिवराज जी को हराएंगे। इस बार भी सत्ता आई नहीं तो चलेगा? चलेगा ना, लड़ेंगे हम तब तक जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं आई। शिवराज जी सिवाय अपने अपने आप के खुद का विकास करने के अलावा उनने यहाँ कुछ नहीं किया। नरेंद्र मोदी किस तरह से हारते हैं, 150 से ऊपर सीटों पर नहीं जीतेंगे, ये सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। आज आप अचानक से सनातनी बन गए, कल तक सनातनी नहीं थे, और यहाँ जो कांग्रेस में उनसे बड़े सनातनी है क्या आप जी? और इस बार हमारे प्रत्याशी आदरणीय दादा प्रताप भानु शर्मा जी जो 10 साल इस सीट पर सांसद रहे, वो उनको हरा के ये बताएंगे। और हमारे साथ अभी कांग्रेसी कार्यकर्ता और कांग्रेसी पदाधिकारी मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। कैसी चुनौती है इस बार बीजेपी की आपके सामने? देखिए साहब, बीजेपी को नैतिकता के आधार पर तो ये चुनाव माननीय शिवराज सिंह जी को लड़ना ही नहीं चाहिए था। अच्छा। क्योंकि 15 साल तक वो सांसद यहाँ रहे, 5 बार, 18 साल मुख्यमंत्री रहे, इसको गृह क्षेत्र कहते हैं अपना जी। गृह क्षेत्र कहने के बाद भी ये हालत है कि इस विदिशा शहर में 39 वार्डों में से आज भी हम 3 वार्ड में पानी नहीं पिला पाए। विकास छोड़िए, अब इतनी समस्या, 3 वार्डों में पानी मूलभूत आवश्यकता, जब शासन पानी नहीं पिला सक रहा है, किस आदमी क्या किस अधिकार से वोट मांग रहा है? पिछले 40 साल से हमारे बेतवा शुद्धिकरण को लेकर आवाज़ उठती रही है, लोग उसको उठाते रहे हैं। पानी पीने की समस्या है, उसमें गंदा नाला मिल रहा है, उस समस्या को दूर नहीं कर पाए। आज भी शहर की सड़कें उसी स्थिति की हैं जैसी कि हमारे यहाँ से 40 साल पहले थी। गंदी हालत, खराब, बड़ा गांव जैसा है ये हमारा शहर। वो विदिशा में वो शिवराय शहर, लेकिन बड़ा गांव, बड़ा गांव है, वो एक नगर पालिका है जरूर, लेकिन एक बड़ा गांव है। अच्छा। उसमें विकास कुछ नहीं है, कहीं कोई विकास की बात ही नहीं है। शिवराज जी सिवाय अपने आप के खुद का विकास करने के अलावा उनने यहाँ कुछ नहीं किया। 6 एकड़ के छोटे से किसान हुआ करते थे, आज 600 एकड़, 1,000 एकड़ से बड़े किसान हैं। उनसे ये तो पूछिए कहाँ से इतना पैसा कमा लिया आपने। यहाँ का किसान तो जो है आज भी परेशान है, वो अपने किसानी में संपन्न है, उन्हें नैतिकता के आधार पर वोट नहीं मांगना चाहिए। और इस बार हमारे प्रत्याशी आदरणीय दादा प्रताप भानु शर्मा जी जो 10 साल इस सीट पर सांसद रहे, वो उनको हरा के ये बताएंगे कि जनता जो है वो विकास के साथ है, सच्चाई के साथ है, झूठ के साथ और घोषणाओं के साथ नहीं है। अच्छा, आप बताने की कोई विकास नहीं हुआ, जबकि शिवराज जी से भी पहले ये बड़े बड़े नेताओं का चुनाव क्षेत्र रहा है, सुषमा स्वराज जी और अटल बिहारी जी, इतने बड़े बड़े नेता बीजेपी के। अटल बिहारी जी जब चुनाव लड़े, उसके बाद ही पहली बार उनके उपचुनाव में शिवराज जी ने चुनाव लड़ा, और शिवराज जी के बाद फिर सुषमा जी यहाँ सांसद रहीं, 9 से लेकर अपना 18 तक 19 तक वो सांसद, 10 साल रहीं। लेकिन इस क्षेत्र के साथ कभी कुछ नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है। या विदिशा शहर से 10,000 लोग पर डे भोपाल नौकरी करने जाते हैं, अप डाउन करते हैं 10,000 लोग, क्या हालत है? कुछ नहीं है इस क्षेत्र में। और जो 10 साल का हम आपको खुला चैलेंज देते हैं, 10 साल का हमारे दादा का आदरणीय प्रताप भानु जी का काम जोड़ लीजिए और इनका 40 साल का 35 साल का काम जोड़ लीजिए, अगर ये कम पड़ जाए। वो दादा ने 10 बार चुनौती दी है उन्हें कि आप मेरे से आकर डिबेट करिए, वो आते ही नहीं है। निश्चित रूप से जनता जवाब देगी और हम अच्छे मतों से चुनाव जीतेंगे और शिवराज जी को हराएंगे। अच्छा, आप जितने मुद्दे बता रहे हैं, जनता से जुड़े मुद्दे, रोजगार का मुद्दा है, साफ सफाई का, विकास का मुद्दा है, ये मुद्दे क्या लगता है आपको, कांग्रेस युवाओं तक और जो अभी नए वोटर्स हैं, फर्स्ट टाइम वोटर्स हैं, इन सभी युवाओं तक और जो देश का सबसे बड़ा जो वर्ग है युवा, उन तक ये मुद्दे लेकर जा पा रही हैं? बिल्कुल जा रहे हैं, बिल्कुल। हमारा कार्यकर्ता एक एक पोलिंग भी इस बात को कह रहा है। हमारी 5 जो गारंटियाँ राहुल गांधी जी ने दी हैं, हमारी कांग्रेस पार्टी ने दी हैं, उन गारंटियों को लेकर जा रहे हैं हम। युवाओं को हम जो है वो हर युवा को 1,00,000 रुपये पर ईयर देने का हमने वादा किया है, महिलाओं को देने का वादा किया है, 8,500 रुपये महीने हम बेरोजगार युवाओं को देंगे, महिलाओं को देंगे। किसानों को जो MSP की गारंटी है, उस पर कानून बनेगा, MSP स्वामीनाथन कमेटी के आधार पर जो MSP तय की जाएगी और उसका कानून बनेगा। अच्छा, स्वामीनाथन कमेटी के ऊपर आपने वादे आपने किए, लेकिन अभी हाल ही में भारत रत्न तो बीजेपी सरकार ने दे दिया, उससे क्या होता है? ये तो उनका काम ही है। सारे काम कांग्रेस नहीं करे, उसी पे अपना लेवल लगाते हैं, इन्हें कुछ नहीं करा।
दस साल में कोई काम क्या किया बताइए ना, आप बताइए ना, आप तो प्रेस में से हैं। मेरा काम पूछना है आपका काम सवाल उठाना है। नहीं नहीं, हम सवाल उठाते हैं ना, कह तो रहे हैं, बता दो आप उनका काम कहाँ है, क्या किया उनने देश के लिए। दो हजार 2047 तक विकसित भारत बनाएंगे कहाँ दे दिए उनने, कहा 15-15 लाख खाते में जाएंगे, कहाँ आ गए, किसानों की इनकम दुगनी कर देंगे, कहाँ हो गई बताइए, 700 किसान वहाँ मर गए, उसका कोई जवाब है, क्या किया आपने किसानों के लिए? वहीं के वहीं हैं हम, कुछ नहीं किया सिवाय बातों का जमा खर्च है, झूठ बोलना, बातें बनाना इनका ये काम है, इसके अलावा इनके पास कुछ नहीं है। और हम जो है इस बात को लेके हम जा रहे हैं और हम चुनाव जीतेंगे माननीय राहुल गांधी जी के नेतृत्व। अच्छा एक मैं प्रश्न आपसे नहीं पूछूंगा, बस एक आपसे टिप्पणी चाहूंगा। मैं प्रताप भानु जी का सोशल मीडिया खंगाल रहा था, उसमें मुझे कुछ तस्वीरें केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के साथ उनकी तस्वीर मिली, और वो तस्वीर अभी भी है, वो डिलीट भी नहीं की गई है, तो इस पर सवाल तो मेरा कुछ भी नहीं, लेकिन आपकी कोई टिप्पणी नहीं, उससे क्या फर्क पड़ता है सिंधिया जी के साथ, इसका क्या मतलब है? सिंधिया जी के साथ ठीक है ना, वो पहले कांग्रेस के लीडर थे हमारे, वो केंद्रीय मंत्री थे हमारे और सांसद थे, उनके साथ अगर चित्र हैं तो क्या हो गया? आज बताइए ना, आज कहाँ है? आज तो हम उनके सामने लड़ रहे हैं, ये कोई बात थोड़ी है कि फोटो अगर पुराना फोटो है तो ऐसे नहीं, तो क्या कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन आप ही के नेता अगर वहाँ चले गए तो इसको अगर नुकसान आप दे समझ रहे हैं? आपके हिसाब से क्या नेगेटिव है? नेगेटिव नहीं है, हमने दमाए प्रताप भानु जी कांग्रेस छोड़ी छोड़ी, वो गद्दारी कांग्रेस के साथ कर गए तो नहीं हो पाया और डिलीट, उसमें क्या बात है? अभी मैं ग्राउंड पे भी लोगों से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि यहाँ से भी और भी कांग्रेस के कई नेता जैसे शशांक भार्गव का नाम बताया, और भी कई नेता बीजेपी में हाल ही में गए, तो इसका नुकसान शायद लगता है? नुकसान नहीं है, हमको फायदा हो गया, वो तो हाफ हार्टेड थे ही पहले से, वो तो आधे बीजेपी के साथ ही थे, उनकी सेटिंग थी बीजेपी से पहले से, अच्छा हुआ चले गए, हम तो बहुत प्रसन्न हैं और यहाँ का कार्यकर्ता मजबूत हुआ है। शशांक भार्गव ने लगातार 15 साल तक कांग्रेस को डैमेज करने का काम किया, उसका पूरा विकास किया, उसका खुद का खुद की छोटी सी फैक्ट्री से बड़ा कारोबार कर लिया भाजपा से मिलके, वो तो सेट थे, आज कल ही खुल गई, साथ चले गए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। 15 सालों से आपको पता था कि वो बीजेपी से मिले हुए, लेकिन कोई कार्यवाही कांग्रेस संगठन के रूप से कुछ नहीं हुई? नहीं, कांग्रेस संगठन में चंद ऐसे लोग थे ना जो उनको सपोर्ट करते थे, प्रदेश स्तर के भी कुछ नेता गए हैं हमारे, उनके ही हाईकमान गए हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, हाईकमान गए हैं, उनके साथ थे ना, उनको सपोर्ट करते थे, वो पूरा एक बैच चला गया जो कांग्रेस का इंदौर तक का पूरा उसका माहौल पूरा एक साथ ही गया, सब पूरा गया ना, इंदौर के दो विधायक पूरे चले गए। अच्छा है, वो सब कांग्रेस के साथ बेईमानी करते थे, चले गए, बढ़िया रहा। वो सब अभी कह रहे हैं कि कार्यकर्ता खुश है, लोगों से वो सब अभी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने सब कुछ दिया, उसके बाद वो छोड़ गए, सब कुछ देने के बाद अच्छा किया उनने, नहीं वो एक बहाना बना, एक बहाना बता रहे हैं कि हमें दुख हो रहा था कि श्रद्धा पर, भक्ति पर और सनातन पर सवाल उठाए जा रहे थे, ऐसा उनका कहना है, तो इसलिए हमारा दम घुट रहा था। ये देखिए, अब ये तो उनकी जो उनकी सोच, उनका अपना आउटलुक है, क्यों गए हैं हम ये नहीं कह सकते क्यों गए, पर हमको सच्चाई मालूम है गए क्यों हैं, वो तो अपने अपना अंदर की बात आपको पता है, मालूम है, सब जनता जानती है, सब कार्यकर्ता जानते हैं क्या सेटिंग है आपकी। आज आप अचानक से सनातनी बन गए, कल तक सनातनी नहीं थे, और यहाँ जो कांग्रेस में उनसे बड़े सनातनी हैं क्या आप? उनसे बड़े सनातनी तो नहीं सकते। आखिरी प्रश्न, ये अक्सर कांग्रेस के ऊपर क्यों सवाल उठता है धर्म को लेकर कि इनकी आस्था कम है, और ऐसा आस्था को तोला जाता है? कहीं कोई सवाल नहीं उठता, कांग्रेस कभी धर्म की राजनीति करती ही नहीं है, कांग्रेस संविधान में विश्वास करती है, धर्म निरपेक्ष राष्ट्र में विश्वास करती है, कभी धर्म की राजनीति हमारा, हम धर्म को राजनीति से नहीं जोड़ते, धर्म हमारा आस्था के लिए है, हमारा धर्म मानने के लिए हम उसको आस्था में रखते हैं, उसको राजनीति का में नहीं शामिल करते। ये तो भारतीय जनता पार्टी जबरदस्ती बात करती है, वही करती रहे, उसी को भलाई, वो अपना काम करती रहे, वो बरगलाना है लोगों को, ध्यान हटाना है लोगों का, विकास पे से इस पे से उसको करना है, वो करती रहे, कांग्रेस कभी नहीं करती। इससे उनको फायदा हो रहा है तो होने दीजिए, करेंगे वो तो, अगर होने दीजिए, ये सत्ता का गलत तरीका है ना, उनका सत्ता पाना उनका किसी भी एन प्रकार ने उद्देश्य है, कांग्रेस का उद्देश्य सत्ता पाना नहीं है, देश की सेवा करना है, देश के विकास करना है। इस बार भी सत्ता आए नहीं तो चलेगा? चलेगा ना, लड़ेंगे हम तब तक जब तक हमारे हाथ में सत्ता नहीं आई, जब तक हम देश का विकास करने लायक नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, थोड़ी देर में क्या करेंगे, कब तक झूठ का पुलिंदा चलेगा, कब तक कांट की हंडी चढ़ेगी, एक ना एक दिन जनता समझेगी, उस दिन जिस दिन समझेगी उस दिन ये खुलेगी कलाई, और आज समझ गई है। इसी चुनाव में आप देखिएगा नरेंद्र मोदी किस तरह से हारते हैं, 150 से ऊपर सीटों पर नहीं जीतेंगे, ये सरकार नहीं बनेगी, इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगा। बहुत बड़ा दावा कर रहे हैं आप, यस देख लीजिएगा आप।